झारखंड विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ वापसी करने वाले हेमंत सोरेन ने एक बार फिर से आज सीएम पद की शपथ ली। बता दें कि हेमंत सोरेन चौथी बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने हैं। बताया ये भी जा रहा है कि मंत्रिमंडल को लेकर कांग्रेस के साथ चल रही रस्सा कशी अभी बरकरार है, इसलिए हेमंत सोरेन ने फिलहाल अकेले ही शपथ ली है। बाद में वह अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। वही हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण समारोह में इंडिया ब्लॉक द्वारा अपनी एकजुटता और शक्ति का प्रदर्शन भी किया गया, जिसके लिए कई गद्दावर नेता राजधानी रांची पहुंचे। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं मंच पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के साथ बातचीत कर मुस्कुराते हुए देखा गया। इन सबके बीच पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने रांची पहुंची हैं। साथ ही दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान समेत आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए।